कभी घड़ी की सुइयां खींच गई, कभी सूरज ढलते ढलते खींच गया, कभी बिन छतरी वाली बारिश ने खींची तो कभी अंधेरा चलते चलते खींच गया। मेरे पैर तो थे जमीन पर सबने मुझे उड़ते देखा, पंख तो थे ना मेरे जो काट दे, तो बस खींचती लक्ष्मण रेखा। कभी पापा की आंखों ने खींची तो कभी माँ की कोई बात खींच गई, कभी पड़ोस की आंटी का कोई ताना तो कभी भाई की कोई डांट खींच गई। मैं तो जरा सा मुस्कुराई थी बस, उसमें बेशर्मी का अक्स कैसे देखिए, पंख तो थे ना मेरे जो काट दे, तो बस खींच दी लक्ष्मण रेखा। मेरे स्कर्ट की लंबाई में, मेरे ब्लाउज की गहराई ने, मेरे मेकअप के रंग ने, मेरे कसाब भरे अंग ने, मेरी आवाज के उठने ने, मेरी नजर के ना झुकने ने, मेरे शब्दों के इस्तेमाल ने और कभी मेरे खुले बाल ने दी मुझे मर्यादा, दिया मुझे चरित्र, या दिया दुनिया को मौका, पंख तो थे ना मेरे जो काट दे, तो बस खींच दी लक्ष्मण रेखा। मेरे फैसले मेरे हौसलों ने नहीं, मेरी लक्ष्मण रेखा ने की, मैं इसके पार ना जा सकूं, बस मुझे उतने ही कदम दिए, पर अब इन कदमों के नीचे पहिए लगाने का दिल करता है, मेरा ही तो मन है, किसी के बाप से नहीं डरता तो नहीं डरता है। मेरी मर्यादा क्या होगी ये तुम कैसे जानोगे, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मानोगे? मुझे लड़ने दो उन घड़ी के कांटों से, मैं वक्त के साथ चलना चाहती, मेरे अंधेरे मेरे हैं, उन अंधेरों में हौसले का दिया बन जलना चाहती। करने दो मुझे फैसला कि मेरे स्कर्ट की लंबाई क्या होगी, मेरे ब्लाउज, मेरी आवाज, मेरी हंसी की गहराई ऊंचाई क्या होगी। अगर कुछ समझाना ही है तो अपने बेटों को समझाओ, जाकर उनमें किसी की मां बहन बेटी को दिखाओ। पंख नहीं है मेरे पास, पर उड़ना है मुझे, अपनी एक पहचान बनानी, अपना मुकाम बनाना है। मेरे पास इरादों का रबर है, उससे विचारों से बनी हुई ये लक्ष्मण रेखा मिटानी। आई गेस तालियों के साथ साथ जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच गया होगा, क्योंकि जो मैंने अभी कहा रघुवीर जी ने इतना खूबसूरती से इसे लिखा, शुरू में थोड़ी गलती मुझसे हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मिटेगी लक्ष्मण रेखा का पूरा सार हमने समेट कर इस कविता के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाया है। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब शशि मैम एंड सुमित सर को, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मुझे लग रहा है कि रघुवीर की कविता में सारा सार आ गया, कुछ कहने जैसा है नहीं, वरना हम लोग लेखक और भावुक लोग होते हैं कहते ही जा सकते हैं, वो अननेसेसरी हो जाएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर द एवी ऑफ द शो। थैंक यू। टॉक अबाउट द शो। I'm Shivani. जैसे आपने देखा प्रोमो, फर्स्ट प्रोमो जो मिटेगी लक्ष्मण रेखा, बहुत अच्छे से एक मैसेज दिया कि एग्जाम्पल के जैसे लड़कियों के साथ होता है, अब लड़कों को समझाने के लिए हम लोगों ने लड़के के थ्रू बताया कि ऐसा हो सकता है, मतलब अगर लड़कियों के साथ हो तो कैसा आपको लगता है। सो इट्स लाइक दैट कि लक्ष्मण रेखा इज लाइक सोशल कि हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब यू कांट से एक चीज़ है, मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली इतनी सारी लक्ष्मण रेखाएं होती है, तो उसको आपको मिटा देना चाहिए। सबके आई थिंक एज अ पर्सन सब लोग होते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, सो आपको मिटाना है, बिकॉज कब तक आप उनके साथ जियो। सो इट्स लाइक दैट। यस, कैन यू हियर समथिंग फ्रॉम द राइटर रघुवीर जी?
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे साथ मेरी टीम के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे. नम्रता जो स्टोरी लिखती है वो किसी वजह से नहीं आ सकती है. स्क्रीन पे लिखती है दामिनी और नीलम जो है वो डायलॉग्स लिख रही है. मेरा ये मानना है कि हम आज की तारीख में जिन इशूज जो हमारे देश का सबसे बड़ा इशू है वो है एक लड़की के ऊपर लगी हुई एक लड़की के साथ जो बर्ताव होता है उस देश में. कहीं ना कहीं हमें लड़की को उसकी आज़ादी और उस आज़ादी पे लड़की को उसकी आज़ादी देना बहुत ज़रूरी है. उस आज़ादी पे जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं और जो उस आज़ादी के बदले में सज़ा देने निकलते हैं लड़की को वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए. लड़की को इंसान की तरह देखना बहुत ज़रूरी है. जो हक जो हमें मिल रहे हैं हमें मतलब जो एक आम पढ़े लिखे आदमी को मिलते हैं वही एक लड़की को भी मिलने बहुत ज़रूरी है. इसी नज़रिए से कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ को लेकर हमने इस शो की रचना की है. बहुत दिल से लिखा गया है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चैनल का जिन्होंने शो को बनाने की हिम्मत दिखाई है. शशि सुमित जिन्होंने मुझे मौका दिया और सारी टीम का. और उम्मीद करता हूँ ये शो सभी को पसंद आएगा. शुक्रिया. एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी शो के लिए खास मतलब बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक था जिसका जन्म हुआ एक मेल राइटर के थ्रू. इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सुमित ने डेवलप किया मुझे सुनाया एंड आई वाज शॉक्ड कि एक आदमी भी औरत के पीओवी से ऐसा सोच सकता है. और जब जब मैं रघुवीर से मिलती थी और हम लोग स्टोरी डिस्कस करते थे तो जब मैं उनके विचार इस पे सुनती थी जिस तरह वो दिल से इसको लिख रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर ये खुशी हो रही थी कि इस फील्ड में आने के बाद या जो जिस भी वजह से हम जो इवॉल्व हुए हैं मैं इन दोनों मेल राइटर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को बड़ी फीमेल पीओवी से समझकर लिखा है और ये बहुत बड़ी बात. Moving on to the next mail that we have, Rahul, let's hear it from you about Vishesh. तो हेलो एवरीवन, मैं प्ले कर रहा हूँ विशेष का किरदार. विशेष जो कि एक राज घराने का लड़का है, प्रिंस है, लेकिन किस तरह कंचन से उसकी मुलाकात होती है और वो कंचन में कुछ ऐसी चीज़ों को देखता है, एक ऐसे पास्ट का कुछ इफेक्ट देखता है जिसकी वजह से वो कहीं कहीं ज़िंदगी में स्पेसिफिक रीजंस होते हैं तब वो परेशान होती है और वो उसकी परेशानी नहीं देख पाता. तो किस तरह ये लड़का उसे उस परेशानी से निकालता है, उस परेशानी के साथ उस परेशानी को सॉल्व करते हुए उसके साथ आकर खड़ा होता है और किस तरह समाज के सामने उसको वो हिम्मत देता है कि वो खड़े होकर इसका जवाब वो सबको दे पाए. तो कहानी कहूँ तो एक लड़की की है जो अपनी कुछ चीज़ें हैं पास से उन्हें आज भी वो सफ़र करती है. जैसे कि हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा हमें हमारी डेली लाइफ में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसकी वजह से हम लोग अचानक से कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं और वो कंचन की लाइफ में होता है. तो उन जो उसके डर हैं उसकी परेशानियां हैं वो जो उसका पास्ट है उससे विशेष उसे कैसे निकालेगा ये उस सपोर्टिव गाय कह लो हस्बैंड कह लो या एक ऐसा लड़का कह लो जिसकी कहानी है. ये समाज के उन विचारों की कहानी है जो विचार हर बार बदलने चाहिए और बदले हैं. ये लक्ष्मण रेखा जो हमने पहले खींची थी समाज में बहुत सारी प्रथाएं आई हैं पहले, चाहे आप सती प्रथा को देखिए, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो औरतों के हिसाब से अगर मैं आज उनको देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. क्या उनके पास वो अधिकार नहीं था उस समय के उठ के वो इन सबसे अपोज कर सके, उनको मिटा सके? लेकिन उसका काम भी एक आदमी ने ही किया. उस आदमी ने स्टैंड लिया, जब वो आए उन्होंने पूरी की पूरी उस प्रथा को ख़त्म किया क्योंकि वो अननेसेसरी थी. तो इसी तरह की प्रथाएं आज भी कुछ ऐसे नियम कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के युग को देखते हुए चल रही हैं उन्हीं सबको ख़त्म करने के बारे में, उन्हीं सबको ख़त्म ना करते हुए भी अगर मैं बात करूं कि आप सबकी सोच को वो इफेक्ट करते हुए आप सब लोगों से क्वेश्चन करेगा कि क्या ये सही है जो हम लोग कर रहे हैं. और वो हर एक औरत की हर एक परिवार की जिंदगी का हिस्सा है जिसके बारे में ये मिटेगी लक्ष्मण रेखा बात करेगी. तो ये शो इन सब चीज़ों का सार है
और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी शिद्दत के साथ लिखा गया, सुमित सर ने जितनी शिद्दत के साथ इसको ये पेपर पर लेकर आए और यहां तक हम लोग आज खड़े होकर इसके बारे में बात कर रहे हैं, एन टीवी का जिसने ये इनिशिएटिव लिया इतना बड़ा, और हम सब लोगों के पास आई फील लकी मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोल है जो कि शायद समाज में कुछ 5% ही से बदलाव तो लाए, और नहीं लाएगा तो सोच को छेड़ कर तो जाएगा। ये था विशेष का किरदार। हाय, मेरा नाम रवि गोसाई है और मैं इसमें कंचन के फादर नंदन तोमर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले थैंक यू शशि भाई, थैंक यू शशि जी और सुमित जी और एन टीवी। मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में इतना कहना चाहूँगा, जब मुझे ये सुनाया गया था तो मुझे लगा ही नहीं था कि कैरेक्टर करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही। मेरी अपनी खुद की बेटी है जो 19 साल की है और किसी तरह की कोई लक्ष्मण रेखा उसके जीवन में नहीं है। मैं अपनी बेटी कंचन के साथ भी ऐसे ही देखना चाहता हूँ। जो बाप अपनी बेटी को पर्दे पर देख कर सीटी मार सकता है, बस वही मेरा कैरेक्टर है कि हाँ बेटा आगे पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। नमस्ते, आप सबको मेरा जय श्री का नमस्कार। ये मिटेगी लक्ष्मण रेखा, इसमें मैं दादी का रोल कर रही हूँ, विशेष के दादी का, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस रोल। ये बहुत ही अच्छा है, ये दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन वो बाद में कंचन को समझती है और वो उसके साथ है, जैसे इन्होंने कहा आगे बढ़ा हम आपके साथ। और मुझे उम्मीद है एन टी वी पर ये जब रिलीज होगी, टेलीकास्ट होगी, तो लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और मैसेज उन तक पहुँच जाएगा, तो इसे जरूर देखना चाहिए। मिटेगी लक्ष्मण रेखा। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी और मैं एन टी वी और शशि सुमित जी दोनों से थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये किरदार दिया। बहुत समय बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये कैरेक्टर है दिव्यानी ठाकुर का, जो बड़ी रानी है और विशेष की माँ है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन कैरेक्टर है लेकिन प्रोग्रेसिव भी है अपने थिंकिंग में। वो भी चाहती है कि कुछ लक्ष्मण रेखाएँ मिटें, और मैं खुद भी अपने पर्सनल लाइफ में ये चाहूँगी, क्योंकि जैसे रवि जी ने कहा मेरी भी बेटी है 15 साल की लेकिन उसके लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएँ अब भी हैं, और इट्स वेरी सैड क्योंकि वो अभी 15 साल की है और वो चाहती है कि वो लक्ष्मण रेखाएँ मिटें, बट मजबूरन कभी कभी रखना पड़ता है। और अगर हम ऐसे शोज़ बनाएंगे और हम समाज पर इम्पैक्ट करेंगे तो मुझे आशा है बहुत जल्द वो लक्ष्मण रेखाएँ भी मिट जाएंगी। थैंक यू।